सीडो कोड। देखिए सीडो कोड का एडवांटेज क्या है, एल्गोरिथम का एक रिप्रेजेंटेशन है सीडो कोड। एल्गोरिथम को लिखने के और रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं। फ्लो चार्ट भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। एक एल्गोरिथम को पिक्चर फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे फ्लो चार्ट बोलेंगे। सिंपल इंग्लिश सेंटेंस यूज करके हम लिखेंगे एल्गोरिथम को तो उसे सीडो कोड बोलेंगे। एल्गोरिथम के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे रिप्रेजेंटेशन के कंपेयर में सीडो कोड का क्या एडवांटेजेस है वो देखना है। देखिए इंग्लिश यूज करके लिखते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, लगभग सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, तो आसानी से कोई भी समझ पाएगा। देखिए ऐसा रहता है इसका एग्जाम्पल, इजिली अंडरस्टैंड बाई एनी वन, हर कोई ये आसान से समझ सकता है क्योंकि इंग्लिश में लिखा जाता है। क्योंकि फ्लो चार्ट के सिंबल्स बहुत जनों को नहीं समझ में आते, हम पब्लिक को नहीं समझ में आते फ्लो चार्ट के सिंबल। और दूसरी बात है, कुछ चेंज करना है तो फ्लो चार्ट में क्या है, ड्रॉ करना पड़ता है, उसमें कुछ भी गलती होगा फिर रीड्रॉ करना पड़ेगा पूरा। इसमें क्या है, फिर आसानी से इसमें अल्टर कर सकते हैं। समझो तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना है या नहीं तो कुछ गलती कर दी है उसे सुधारना है तो उसे आसान से कर सकते हैं। ये पॉइंट आप दे सकते हैं, इन केस ऑफ चेंज इन द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम प्रोसीजर द सीडो कोड आर इजी टू मॉडिफाई एज कंपेयर टू फ्लो चार्ट। और ये क्या है, टाइपिंग कहीं भी टाइप कर ले सकते हैं। तो एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए, वर्ड्स को सेंटेंस को टाइप करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर मिलेगा उसमें आप ये टाइप कर सकते हैं। डन इजिली ऑन एनी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, कहीं भी टाइप करने सकते हैं वहां सब टाइप कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात है, इंप्लीमेंट द स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बड़ा प्रोग्राम को या बड़ा सीडो कोड को छोटा छोटा करके लिखने को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अब सीडो कोड में भी क्या है, बड़ा सीडो कोड है उसे छोटे छोटे करके लिख सकते हैं, फंक्शन का रूप दे सकते हैं। और दूसरा बात है, ये एल्गोरिथम का एक रिप्रेजेंटेशन है, थोड़े एल्गोरिथम के भी इसमें एडवांटेजेस आपको सिम्टम्स दिख जाएंगे उसके एडवांटेजेस के भी। सीडो कोड वंस प्रिपेयर कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू प्रोग्राम, एक बार सीडो कोड को हम प्रिपेयर कर लेंगे इसके बेस पे प्रोग्राम लिखना आसान हो जाएगा। इफ ए प्रोग्राम इज रिटन बेस्ड ऑन द सीडो कोड इट हैज लेस एरर, री एडिटिंग कैन बी मिनिमाइज्ड। देखिए आप सीडो कोड में, सीडो कोड को समझ जाओगे तो प्रोग्राम लिखना आसान होगा, प्रोग्राम में गलतियां कम होंगे, री एडिटिंग करने का फिर बार बार गलतियां करो टाइप करो की जरूरत नहीं रहेगी। While writing and pseudo code, we can be concentrate only on solving the problem other than the syntax. इसमें कुछ error आने वाले नहीं क्योंकि एक झूठ होने वाला ही नहीं है, error का डर नहीं रहता है, पूरा concentration logic पे रख सकते हो आप। Pseudo code is the same for any language. Pseudo code तो common है पूरे languageों के लिए, पूरे लैंग्वेजों के लिए कॉमन है ये। ऐसा नहीं कि एक बार सीडो कोड लिख लिया आप कोई भी लैंग्वेज में को कन्वर्ट कर ले सकते हैं, ये एडवांटेजेस है। ये भी एक एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन, इसके एल्गोरिथम के भी कुछ एडवांटेजेस इसमें आ गए हैं। थैंक यू।